बड़े इलेक्शन के बाद मिनी इलेक्शन, कौमी और सूबाई असेंबली के 4 हलकों में पोलिंग जारी, पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की कितारें लग गई, लोगों में जोशो खरोश, 11,75,832 वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, मुल्की तारीख में पहली मर्तबा समंदर पार पाकिस्तानी भी हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोट दो पाकिस्तान के लिए रोशन मुस्तकबिल के लिए, आम इंतखाबात की तरह ज़िमनी इलेक्शन में भी लाहौरियों का जोशो खरोश, नौजवानों के साथ बुजुर्ग और माजूर अफराद भी पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे, कोई बेटे को साथ लेकर आया तो किसी को दिया पोते ने सहारा, 85 साल शहरी बैसाखी पर और 90 साल रहीम दीन व्हील चेयर पर वोट कास्ट करने आया। साद रफीक यकीनी शिकस्त देकर बौखलाहट का शिकार हो गए, ख्वाजा साद रफीक को पहली बार शफाफ इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, इसलिए मुश्किलात का सामना है। N131 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर के मुखालिफ उम्मीदवार पर वार, वोट डालने के लिए लोगों से घरों से निकलने की हिदायत, चुंगी अमरजदू पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। नैब ने पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए, किसी ने पकड़ना है तो पकड़ ले, आवाम सियासी इंतकाम को बुरा समझते हैं, जबर और जमहूरियत साथ साथ नहीं चल सकते। NA131 से ख्वाजा साद रफीक की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, इलेक्शन इंतजाम पर एतराज, कहा वन वे इलेक्शन है, नून लीग की जीत यकीनी है, गड़बड़ हुई तो भरपूर जवाब देंगे। साद रफीक ने अमरीकन लाइफ स्कूल डिफेंस में वोट कास्ट किया। मिस्री शाह में तहरीक इंसाफ के 2 कैंप उखाड़ दिए गए, कारकुनों ने CCPO को वाकये से मुतालिक आगाह कर दिया, N124 से उम्मीदवार गुलाम मोहियुद्दीन देवान की दाता दरबार पर हाजिरी, कामयाबी के लिए दुआ मांगी, शाह जमाल भी गए, गड़ी शाहू में कारकुनों के हमरा नाश्ता भी किया। इलेक्शन का मैदान, नून और जनून फिर आमने सामने, लाहौर के 2 हलकों पर पूरे मुल्क की नजरें, कप्तान की खाली नशस्त पर जोर का जोड़, NA131 में ख्वाजा साद रफीक और हमायूं अख्तर के दरमियान कांटे का मुकाबला, NA124 में शाहिद खाकान अब्बासी और गुलाम मोहियुद्दीन देवान के दरमियान सियासी मैच, PP164 में यूसुफ अली बदमुकाबला सुहेल शौकत भट्ट, PP165 में मियामन शाह सिंधु और सैफुल मुल्क आमने सामने। PP164 से नून लीग के उम्मीदवार सुहेल शौकत भट्ट का जल्लो में पोलिंग स्टेशन का दौरा, इंतजामात तसल्ली बख्श करार दे दिए, जीत शेर की होगी, भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे, सुहेल शौकत भट्ट की गुफ्तगू। चौधरी यूसुफ अली जीत के लिए पुरासम, फैसला आवाम ने करना है, इंशाल्लाह जीत इमरान खान की होगी, उम्मीद है फॉर्म 45 का कोई मसला नहीं होगा। PP164 से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी यूसुफ अली ने लोदड़ गांव में अपना वोट कास्ट किया। वोट की पर्ची पर यकीन है, जिमनी इलेक्शन में खवातीन भी पेश, सुबह सवेरे ही वोट कास्ट करने आई, अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरअज़्म। इलेक्शन पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पाक फौज की निगरानी में पोलिंग, पाक फौज के जवान पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात, 11,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात, 4 हलकों के 881 पोलिंग स्टेशन में से 193 हसास करार, मोबाइल फोन और कैमरा ले जाने पर पाबंदी आज, वोटर के लिए शनाख्ती कार्ड साथ लाना भी जरूरी करार। इलेक्शन की नॉन स्टॉप मैराथन ट्रांसमिशन, लाहौर न्यूज जिमनी इलेक्शन की कवरेज में सबसे आगे, बेहतरीन रिपोर्टिंग टीम के साथ पल पल की खबरें सबसे पहले सबसे मोतबिर। हम बोलते कम और काम ज्यादा करते हैं, मुश्किल वक्त आरजी है, कौम की हमायत से चैलेंज पर काबू पाएंगे, मस्नूई अदाद शुमार के जरिए आवाम से हकायक छुपाए गए, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से डेरा गाजी खान डिवीजन के मुख्तलिफ वफूद की मुलाकात, लोगों के मसाइल सुने।
बादशाही मस्जिद से नालैन पाक की चोरी का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मामले की इंक्वायरी के लिए जीआईटी बनाने का हुक्म। जीआईटी में आईएसआई, आईबी और डीआईजी पुलिस की सतह के अफसर शामिल होंगे। जीआईटी तहकीकात करके जामिया रिपोर्ट पेश करे। शर्म की बात है कि हम मुकद्दस चीज की हिफाजत नहीं कर सके, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नालैन मुबारक की चोरी से मुतालिक महकमा औकाफ की रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में नैब से मुतालिक केसेस की समाअत, डीजी नैब शहजाद सलीम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश, अदालत की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कब्जा माफिया ने घरों पर कब्जा कर लिया, कब्जा ग्रुप के सताए पाक पतन के रिहायशी खाजा सरा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील, सुप्रीम कोर्ट के बाहर साइलिन की बड़ी तादाद जमा। गिरफ्तारी के 8 रोज बाद बिलाखिर शोहर से मुलाकात की इजाजत मिली। तहमीना दौरानी शहबाज शरीफ को 10/10 के नहायत छोटे सेल में रखा गया है। कमरे में न ताजा हवा आती है, ना ही रोशनी की किरण झांक सकती है। सेल में दिन और रात का कोई तसव्वुर नहीं। तहमीना दौरानी के शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ट्वीट। पंजाब स्विमिंग एसोसिएशन के जेरे तमाम इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप, मुल्क भर से 65 स्कूलों के 413 खिलाड़ियों की शिरकत। फाइनल मुकाबले 14 अक्टूबर को होंगे।